सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं सोनीपत बॉर्डर से आता हूँ। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। और मेरी गवाही ये है, 2014 से मेरे ऊपर केस चल रहा था। मेरे भाई का जो है, भाई से एक्सीडेंट हो गया था, हाफ मर्डर का केस था दिल्ली में, और लगातार कोर्ट के चक्कर में काट रहा था और काफ़ी हद तक मैं परेशान हो गया था। फिर मुझे किसी सिस्टर ने मुझे यहाँ पे चर्च के बारे में बताया और ऑनलाइन मैंने देखना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं नवंबर से लगातार आता रहा। 6 जनवरी 2024 को प्रभु ने मुझे उस केस से छुटकारा दिलाया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और सब कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरी इच्छा थी मैं ऑफिस में बढ़ूं, मेरा प्रमोशन हो, और पास्टर जी के घोषणाओं को मैंने सुना और उस घोषणा को मैंने ग्रहण किया और मुझे मेरे ऑफिस में प्रमोशन मिला और मेरी सैलरी डबल हो गई। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और उनके दास और दासियों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। और मेरी तीसरी गवाही ये है, और मुझ पर शैतानी अटैक आते थे और मैं तांत्रिक के पास गया था, उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मैं जीजस में आया और प्रभु में था, उसके बाद में फिर भी मेरे ऊपर अटैक आता गया। मैं उठते बैठते सोते मुझे बहुत सारी तकलीफ होता था और बहुत गलत गलत तरीके से मेरे से गलत हो जाता, कभी व्यभिचार में, कभी लालच में, कभी लड़ाई में, कभी गुस्से में। सबसे ज़्यादा मुझे एकदम से करता था, कभी मैं अपने खुद के भी सिर फोड़ लेता था और भी मुझे परेशानियाँ, हर दिन मैं परेशानियों से गुजरता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और नवंबर से मैंने यहाँ पे चर्च में स्टार्ट किया आने के लिए आया और यहाँ पे परमेश्वर के दास ने जादू टोने को लेके घोषित किया कि ये सब बंधने टूट जाएं और छुटकारा मिल रहा है इन सब बातों को लेके, और मैंने विश्वास किया और परमेश्वर ने मुझे उन सब बातों को लेके मुझे चलाई दिया और ये सब चीज़ें मेरे अंदर से, तंत्र की जितनी भी सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें हट गया और परमेश्वर ने मुझे शिफा किया। सबको जय मसीह की। मेरी चौथी गवाही ये है कि मैं मुंबई में ट्रांसपोर्ट लाइन में जॉब करता था, तो ऊपर से तीसरी मंजिल से पार्सल लोड कर रहा था, रास्ता टूट गया, ऊपर से मैं गिर गया और पीछे के बल गिरा और मेरे सर में चोट आया और मेरे रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई थी। और मैं 6 साल से लगातार कंटिन्यू दवाई खा रहा था और एक्सरे भी कराया और कोई भी चीज़ प्रभाव नहीं पड़ता था, दवाई ही सिर्फ टोटल करता था। और जब भी लेटता था काफ़ी दर्द होता था, कोई भारी चीज़ उठाता था जब भी दर्द होता था, हल्का उठाता था जब भी दर्द होता था, झुकने में भी मुझे बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन जब यहाँ परमेश्वर के दास ने घोषित किया और फिर उसके बाद में मैंने उस प्रोफेसरी को मैंने रिसीव किया और जब से मेरा रीढ़ का दर्द सारी चीज़ें परमेश्वर ने ठीक कर दिया। इन सब गवाहियों को लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को और उनके दास और दासियों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।